नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रभाव गरीबों पर पड़ता है, इसलिए भ्रष्टाचार से लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आर्थिक भगौरों के खिलाफ कानून बनाया, हमारी लड़ाई अब भी जारी है। व्हाट्सएप मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर पर काम कर रहा है। इस फीचर के तहत अब आपको एक से ज़्यादा अकाउंट एक ही ऐप में खोल पाएंगे। एक से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए आपको बस इसे स्विच करना होगा। इस तरह का फीचर मेटा ने इंस्टाग्राम पर पहले से दिया हुआ है। मल्टी अकाउंट लॉगिन फीचर के आने से आपको फ़ोन में पैरेलल स्पेस ऐप्स को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अपडेट की जानकारी व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नज़र बनाए रखने वाली वेबसाइट वेब बीटा इन्फो ने शेयर की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने शुक्रवार को देश में नफरत की आंधी पर चिंता व्यक्त की है। सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से देश के मुसलमानों के मन की बात सुनने की भी गुजारिश की। नू दंगों और चलती ट्रेन में एक रेलवे पुलिस जवान द्वारा चार लोगों की हत्या जैसी हालिया घटनाओं पर सैयद अहमद बुखारी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को हमारे समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन 3 नए विधेयक पेश किए, जिसका मकसद गुलामी मानसिकता से उबरना था। सरकार ने महिलाओं बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में आमूलचूल बदलाव किए हैं। इस दौरान भारतीय दंड संहिता में 13 बड़े बदलाव किए गए हैं। भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर, सिंगर और मॉडल खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर वायरल एक बोर्ड को लेकर के भड़क गए। इस बोर्ड पर यूपी, बिहार और झारखंड के छात्रों को रूम नहीं देने की बात लिखी गई थी। दावा किया जा रहा है कि रायपुर NIT के पास किसी मकान मालिक ने यह बोर्ड लगाया था, जिसकी फोटो खींच कर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के बीच 2 साल पहले हुई जमीन की अदला बदली की कार्रवाई को विधि विरुद्ध बताते हुए स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान आदि विशेषवेश्वर पक्ष के वाद मित्र व पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर पत्र लिखा है। इसमें जिला व मंदिर प्रशासन की रिपोर्ट निरस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। नेपाल पुलिस के CBI ने बताया है कि उन्होंने एक ऐसे सांसद को गिरफ्तार किया है जो बिहार में फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर चीन में उच्च अध्ययन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। CBI टीम ने सुनील कुमार शर्मा को काठमांडू में गिरफ्तार किया। बता दें कि सुनील कुमार शर्मा मुरांग 3 निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने गए थे। बताया भी जा रहा है कि वह नेपाली कांग्रेस में शेखर कोइराला खेमे के खास व्यक्ति थे। भारत के दुश्मन देशों में बैठे ऐसे तमाम हैकर्स हैं जो आए दिन रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा में साइबर सेंध लगाकर संवेदनशील और गोपनीय जानकारी चुराने की नाकाम कोशिश करते हैं। अब उनके लिए एक और बुरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम को बदला जा रहा है। खबर है कि कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट का OS हटाकर स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा, जिसका नाम माया है। SBI कार्ड और NPCI ने SBI रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक करने का ऐलान कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार SBI कार्ड के रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स 10 अगस्त 2023 के बाद से UPI ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप UPI पेमेंट के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप का भी यूज़ करते हैं तो भी SBI कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फैसले का असर SBI कार्ड के रुपए प्लेटफॉर्म के यूजर्स पर पड़ेगा और वह UPI पेमेंट करने के लिए भी आसानी से कार्ड का यूज़ कर पाएंगे। हाल ही में एक स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आकर 22% लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट खरीद दिए हैं जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं थी, या ये प्रोडक्ट एकदम ख़राब निकले। ज़्यादातर कंपनी इन्फ्लुएंसर की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन कराते हैं जो वास्तविकता में बहुत ख़राब होते हैं। इन विज्ञापन को देखकर यूजर्स भ्रमित होकर उन्हें खरीद लेते हैं। पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार सोशल मीडिया पर सक्रिय 16 से 60 साल की उम्र में यूजर्स कंपनियों के प्रमुख टारगेट होते हैं। तख्तापलट के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देशों में संगठन ECOWS ने नाइजर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान किया है। तनावपूर्ण को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को तुरंत नाइजर छोड़ने की सलाह दी है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में परामर्श जारी किया। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा है कि लालू यादव खुद तो मुखिया का चुनाव तक नहीं लड़ सकते और वो दूसरों को प्रमाण पत्र बांटते हुए फिर रहे हैं। उनको यह समझना चाहिए कि जिनका खुद चुनाव लड़ने का लाइसेंस छीन लिया गया हो वह दूसरे को प्रमाण पत्र नहीं बांटा करते। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले सिक्योरिटी पर चिंता जता चुकी है। अब इस मामले में भारत सरकार का जवाब आ गया है। भारत सरकार ने कह दिया है कि वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानी टीम के साथ टूर्नामेंट में वैसा ही व्यवहार होगा जैसा दूसरी टीम के साथ किया जाएगा।
भारत ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में समस्याओं का समाधान शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए। चीन और फिलीपींस पूरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे। चीनी तटरक्षक जहाज द्वारा फिलीपींस की आपूर्ति नाव पर पानी की बौछार करने की हालिया घटना का जिक्र करते हुए भारत ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में मुद्दों से शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की जरूरत है। चीन और फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे। सरकार ने संसद को बताया है कि पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण 2020 में 24 सैनिकों ने बलिदान दिए थे। साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण 2020 में 24 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि 22 नागरिकों की जान चली गई। सुरक्षा बलों ने संघर्ष विराम उल्लंघनों का उचित जवाब दिया। भारत अब महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए नेपाल से टमाटर और अफ्रीका से दाल की खरीद करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार की नेपाल और अफ्रीका के साथ डील हो गई है। खास बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि टमाटर की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत नेपाल से बड़े स्तर पर टमाटर का आयात करेगा। टमाटर की खेपों का आयात सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे टमाटर की कीमतों में गिरावट आएगी। IIT पटना के शिक्षक डॉक्टर अभिनय ने साइबर हमले से निपटने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग AI और ML तकनीकों की क्षमता में सुधार के लिए नई तकनीक बनाई है। अभिनय ने बताया है कि नए एस्टिमेशन एल्गोरिदम की सहायता से साइबर हमले को कम किया जा सकता है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 2024 में अपनी पराजय को सुनिश्चित मानकर घमंडी, भ्रष्टाचारी और परिवारवादी महागठबंधन के लोग भयभीत और घबराहट में बीजेपी की आड़ में से छुपाने का खेल खेल रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने का दावा करने वालों की विपक्षी गठबंधन में उपेक्षा राज्य और देश की जनता देख रही है। इन पर किसी का भरोसा नहीं रहा। कई बार ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की तबीयत खराब हो जाती है। यात्रियों की समस्या को देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने स्टेशनों पर दवा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक स्टेशनों पर यात्रियों को सस्ती दवा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश भर के 50 रेलवे स्टेशनों को सिलेक्ट किया गया है, जहां परिसर पर ये केंद्र खोले जाएंगे और लोगों को सस्ती दवाएं भी दी जा सकेंगी। हालांकि इसके लिए मेडिकल स्टोर वालों को लाइसेंस लेना होगा। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार DRDO के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है। उन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे, वह वैज्ञानिक RSS के कट्टर कार्यकर्ता है। क्या आप उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं? एशिया कप 2023 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसके लिए टीम भी घोषित कर दी है। हालांकि भारत ने अभी एक टीम घोषित नहीं की। एशिया कप में कमेंट्री करने वाले पूर्व खिलाड़ियों की एक लिस्ट सामने आई है। इसमें गौतम गंभीर और रवि शास्त्री समेत 4 भारतीयों को जगह मिली है। लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी शामिल हैं। देश भर में UPI का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन अब इस पर फोन पे और गूगल पे जैसे पेमेंट्स ऐप का एकाधिकार बना हुआ है। इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए अब नया UPI पेमेंट सिस्टम पेश किया जा रहा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI की तरफ से पेश किए जाने वाले इस फीचर को UPI प्लगइन सिस्टम कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास महालोक निर्माण की आधारशिला का पूजन किया एवं गिनती चलाकर मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया। बता दें कि शिवराज सरकार ने सागर में संत शिरोमणि रविदास जी के दिव्य और भव्य मंदिर की घोषणा की थी। 100 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर को नागर शैली में बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने के भारत दौरे की पुष्टि हो चुकी है। वे 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा उनके 3 देशों के दौरे का हिस्सा होगी। भारत के अलावे अल्बनीज इंडोनेशिया और फिलीपीन भी जाएंगे। कहा गया है कि G20 वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए दुनिया का प्रमुख मंच है। इसमें शामिल होने वाले नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं को मजबूत, टिकाऊ और लचीले विकास की ओर वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पीएम मोदी आज सागर के बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास के भव्य मंदिर और विशाल स्मारक का भूमि पूजन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने एक मेगा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस मंदिर और स्मारक के लोकार्पण के लिए जरूर आएंगे। भारतीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में कहा है कि भारतीय रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं। इनमें अगर भर्ती की जाए तो इन भर्तियों में से भारत में रोजगार बढ़ सकेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर इन पदों में भर्ती के लिए आवेदन पत्र निकलते हैं तो कई उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी, साथ ही भारतीय रोजगार भी बढ़ सकेगा।
तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने शनिवार को कहा है कि वह तमिलनाडु सरकार के नीट विरोधी विधेयक को कभी मंजूरी नहीं देंगे। बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पर राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। केंद्र ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया था। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने इस बिल के विरोध में कहा है कि बीजेपी अराजकता के आगे झुक गई है। इस हफ्ते सीसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय पैनल में सीजीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। चुनाव आयुक्त के चयन में सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने का कड़ा विरोध करते हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को विरोधी दल यानी बीजेपी का नेता बताकर 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह का निमंत्रण कार्ड भेजा गया है। सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का उप मुख्य सचेतक बताया गया है, जबकि वह बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ गठबंधन यानी महागठबंधन के उप मुख्य सचेतक हैं। निमंत्रण कार्ड पटना के कमिश्नर कुमार रवि ने सुनील सिंह को भेजा है। वहीं कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा ऐसा गलती से हुआ है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, उमेश कुमार, चंदन झा, जितेंद्र ठाकुर, नौशाद अंसारी, दीपक कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, संदीप सिंह, अभिरंजन कुमार, ध्रुव कुमार राय, रविशंकर, सरोज कुमार, भारती, एच के मल्होत्रा, दयाशंकर, प्रसाद सिंह। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए कितना फायदेमंद है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।